मेरे हिसाब से यार बॉडीगार्ड वगैरह यहाँ पे कोई भी ज्यादा नहीं खड़े हुए, काफी सारी यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह देर की आप देख सकते हो। और घर का इंटीरियर तो यार भाई साहब क्या ही बोलूं यार, बहुत तगड़ा वाला इंटीरियर इसका। हेलो व्हाट इज अप गेमर्स, वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज वाली वीडियो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यार गाइस फाइनली हम जो माफिया का घर है उस पर हम कब्जा करने वाले हैं। लेकिन यार बिग माफिया के चमचे जो उसके बॉडीगार्ड है वो अभी भी यहाँ पे इस घर में घुस रखे हैं, तो यार हम लगभग यहीं पे आ रखे हैं पास में। तो यार फटाफट से चलते हैं, पहले उन चमचों को मार के आते हैं, फिर यार हम माइकल की सारी गाड़ियां वगैरह लेके आ जाएंगे और इस घर पे यार कब्जा कर लेंगे हमेशा के लिए। तो फटाफट से पहले नीचे उतरते हैं। वैसे तो यार हम बिग माफिया के घर के बिल्कुल पास में आ रखे हैं, बस मैं थोड़ा सा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया था यार व्यू देखने के लिए बढ़िया सा। वो खड़ी अपनी गाड़ी, तो यार फटाफट से बैठते हैं और फटाफट से जितने भी बंदे, ज्यादा बंदे नहीं होंगे, मुश्किल से 10 बंदे होंगे, तो वहां पे उनको मार के आते हैं यार। फिर चलेंगे हम सीधा माइकल के पास और उसकी सारी की सारी गाड़ियां लेके आ जाएंगे यहीं पे। तो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी नया चैनल पे फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को गाइस अभी से लाइक कर देना। अपनी गाड़ी यार पहले हम यहीं पे रोक लेते हैं, इसको पता नहीं चलना चाहिए। ओके, इसने नोटिस नहीं किया। वैसे हम बिल्कुल साइलेंटली मारेंगे, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए भाई। ओके यार इसको तो खत्म कर दिया हमने यहाँ पे, और अंदर की तरफ चल लेते यार। और सामने भी यार काफी ज्यादा बंदे खड़े हैं, वो भाई साहब देख रहे हो गाइस। मैं सोच रहा हूँ यार उनको यहीं से निपटा डालूं। ओ भाई चार के चार बंदे चले गए। ओ भाई किसी को पता चल गया मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन अच्छे से व्यू नहीं मिल रहा, एंगल नहीं मिल रहा अच्छे से। एक मिनट रुक जाओ, इसको तो एकदम मार दूंगा मैं। ओके अंदर, ओ भाई यहाँ पे भी बंदा खड़ा हुआ है। और अंदर की तरफ चल लेते हैं आराम आराम से अंदर। ओ भाई अंदर भी बंदे खड़े हुए हैं, इतने सारे बंदे हैं। चलो ये भी गया, अब हम अपनी पिस्टल निकाल लेते हैं, आराम आराम से चलेंगे भाई। यहाँ पे तो यार कोई भी नहीं दिख रहा। और गाइस आज गाड़ियाँ भी यार काफ़ी ज़्यादा कम खड़ी हुई है यहाँ पे, मेरे हिसाब से यार बॉडीगार्ड वगैरह यहाँ पे कोई भी ज़्यादा नहीं खड़े हुए। गाड़ियाँ देख रहे हो गाइस, सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ से गायब है, सिर्फ ये दो तीन ब्लैक वाली गाड़ी खड़ी है। हमेशा यार बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, आज बहुत ज़्यादा कम खड़ी है। और वहाँ पर भी यार एक बंदा तो खड़ा हुआ है, और उसके सामने भी बंदा खड़ा हुआ है, इसको मार देते हैं पहले। ओ भाई इसको पता चल गया क्या? पता नहीं चलना चाहिए भाई, कहाँ गया वो, कहाँ पे भाई? यहाँ पे तो यार कोई नहीं दिख रहा मेरे को, गन की आवाज़ ज़रूर आई थी लेकिन यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा मेरे को। ओ भाई सामने की तरफ ये बंदा ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? ओके ये भी गया। ओके यार मेरे हिसाब से यार इतने ही बंदे थे, एक बार और चेक कर लेते हैं यहाँ पे। और तो यार मेरे को यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, मेरे हिसाब से यार यहीं पे इतने ही बंदे हैं। एक बार यार थोड़ा राउंड मार के देख लेते हैं ऊपर की तरफ, अगर कोई बंदा हो जाएगा तो यार बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेरे हिसाब से गाइस इतने ही बंदे हैं यहाँ पे। तो गाइस अब फटाफट से चलते हैं माइकल के पास, और जितनी भी उसकी गाड़ियाँ वगैरह है सारी की सारी भर के यहाँ पे ले आएंगे हम। तो फटाफट से चल लेते हैं यार माइकल के, जो नया वाला घर है जो रेंट पे रह रहा है माइकल, उस वाले घर पे चलते हैं और उसके कंपाउंड में जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है वो सारी की सारी हम लेके आ जाएंगे। तो यार फटाफट से चल लेते हैं, और ये गाड़ी है ना ये सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम। और गाइस मैं आपको एक नई टाइप की गन दिखाता हूँ, ये वाली गाइस देखिए कितनी ज़्यादा पावरफुल गन है। देखो दो शॉट में देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा तगड़ी वाली गन है। दोनों गाड़ियाँ ख़त्म भाई सीधा। ओ भाई साहब सही वाला सीन हो गया। चलो गाइस हमने सारे बंदे यहाँ पे मार दिए, तो यार फटाफट से चल रहे थे माइकल के घर। यहाँ से माइकल का घर यार काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ता है वैसे, यहाँ पर लगभग, तो यार फटाफट से चल लेते, कितना माइल दूर है वैसे? ओ भाई साहब 2.12 माइल्स। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रही है, ये वाली गाड़ी यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, तो यार फटाफट से पहुँच जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और भाई लगभग यार पहुँच जाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। और माइकल को भी यार मैंने फ़ोन करके बोल दिया, उसने सारी की सारी गाड़ियाँ वैसे बाहर ही निकाल रखी है, एक ट्रेलर मंगवाएंगे बड़ा सा, और जितनी भी मेन मेन वाली गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी यहाँ पर लेके आ जाएंगे। और भाई साहब अपनी गाड़ी देखो यार कितनी ज़्यादा सही चल रही है आज, बिल्कुल भी यार ठुकने का बिल्कुल डर ही नहीं लगता इसमें, एकदम मस्त वाली चलती है, कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे हम लगभग पहुँचने वाले ही हैं, तो यार फटाफट से भगा लेते हैं यहाँ से। बस गाइस आगे से राइट लेना, और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे माइकल के रेंट वाले घर पे। अभी तक तो यार ये रेंट पे रह रहा था माइकल, लेकिन आज से यार काफ़ी ज़्यादा सही वाले घर में रहने लग जाएगा। और भाई साहब यहाँ पे खड़ी है माइकल की सारी गाड़ियाँ देख सकते हो, भाई साहब कितनी सारी गाड़ियाँ यार, और सारी की सारी यार तगड़ी गाड़ियाँ। अपनी वाली गाड़ी यहाँ पर एक बार खड़ी कर देते हैं,
और माइकल भी यार यहाँ पे खड़ा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बातें वगैरह कर रहा है। लॉस सैंटोस में यार ज्यादातर बंदे फूकते रहते हैं, ये वाली गाड़ी तो यार मैंने माइकल पे देखी नहीं यार कभी, मेरे हिसाब से किसी रैंडम बंदे की होगी। और यहाँ पे यार सारी की सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, लैम्बोर्गिनी टैडजो, फरारी टायरेंट, लैम्बोर्गिनी सियान और यहाँ पे ट्रोन बाइक भी, सारी की सारी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो यार फटाफट से माइकल से बातचीत कर लेते हैं और ये सारी की सारी गाड़ियाँ लेके चलते हैं। पहले यार हमें यहाँ पे ट्रेलर मंगवाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ट्रेलर सर्विस वाले को फोन कर देते हैं और एक ट्रेलर मंगवा लेते हैं। माइकल के पास यार गाड़ियाँ तो यार काफी ज्यादा तगड़ी तगड़ी वाली खड़ी हुई है यार, बहुत तगड़ी, सारी की सारी तगड़ी वाली गाड़ी है। और ये भाई साहब गोल्डन लिमोजिन कितनी ज्यादा सही लग रही है। और यहाँ पे अपना ट्रेलर आ भी चुका भाई, कितनी जल्दी फास्ट सर्विस है। लेकिन यार अपने पास यहाँ पे ड्राइवर नहीं है ट्रेलर का, तो यार मैं एक काम करता हूँ ना, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है ना, इसी को यार यहाँ से भेज देता हूँ यहाँ पे गाड़ियाँ लेके। सो गाइज ये वाला बंदा ले जाएगा फटाफट से अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ से। हम सारी की सारी गाड़ियाँ तो यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे एक बार में, मेन मेन गाड़ियाँ वो फटाफट से यहाँ पे लोड करवा देते पहले। इस ट्रेलर में मेरे हिसाब से 6 गाड़ी आती है, पहले यार इस रैंप को नीचे करना पड़ेगा। रैंप भी हमने नीचे कर दिया, तो यार फटाफट से ये सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी कर देता है अंदर की तरफ। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमने सारी की सारी गाड़ियां यहां पे लोड कर दी अच्छे से, और सिर्फ 5 ही व्हीकल्स आ पाए इसमें। और इसकी रैंप यार पीछे से बंद कर देते, नहीं तो यार रोल्स रॉयस पीछे चली जाएगी। और जो बाकी की जो भी गाड़ियां बची उसको हम बाद में ले जाएंगे, और जो लिमोजिन है यार वो उसके अंदर नहीं आ पाएगी यार, बहुत ज्यादा लंबी गाड़ी है। और यार सियान तो हम यहां से चला के ले जाने वाले हैं। चलो यार ये तो पहुंचा देगा अपनी गाड़ी आराम आराम से, हम फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में बैठ के यार फटाफट से उस घर पे वापस चल लेते हैं। चलो यार गाइस फटाफट से अपनी लैम्बोर्गिनी सियान में आप वापस चल लेते हैं उसी जगह पे, और ये जो भी जितनी भी गाड़ियाँ बच रही है उसको हम बाद में माइकल के पुराने वाले घर पे छोड़ के आएंगे। वहाँ पे जाके यार कंफर्म भी करना पड़ेगा कि और ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं आगे। फटाफट से चल लेते हैं यार बिना टाइम वेस्ट करो। और गाइस अपनी यार लैम्बोर्गिनी सियान देखो यार कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है, ऐसी लैम्बोर्गिनी मैंने पूरे GTA 5 में नहीं देखी यार, क्या लुक दे दिया है गाड़ी। और यार स्पीड की तो यार बात पूछो ही मत, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी स्पीड है। और यार इसकी जो ऊपर लिवरी चढ़ी हुई है ना, जो पेंट चढ़ा हुआ है वो यार काफ़ी ज़्यादा लगता है, एकदम ऑसम वाला लुक देता है ब्लू कलर का। इससे बढ़िया यार लुक वाली गाड़ी मैंने पूरे लॉस सैंटोस में अभी तक नहीं देखी। वैसे तो यार इतनी महंगी गाड़ी भी नहीं है, और जो लिमोजिन है वो भी यार 20 मिलियन की गाड़ी है। लेकिन यार लैम्बोर्गिनी यार सियान की यार अलग ही बात है, इसका जो स्पॉइलर वगैरह है ना भाई साहब अलग ही लेवल का, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। तो यार बहुत तारीफ होगी यार गाड़ी की, तो यार फटाफट से ले चलते हैं, बस वहाँ पे यार और बंदे ना आए तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। एक बार यार हमने वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी कर दी, और फिर हम अपने भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़े कर देंगे, तो यार फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो यार काफ़ी ज़्यादा फिर मज़ा आ जाएगा। अभी तक तो यार माइकल उसी वाले घर में रह रहा था, लेकिन यार अब यार बहुत ज़्यादा सही वाले घर में रहने लग जाएगा। और भाई साहब ये मेरी और ये किसका ट्रेलर जा रहा, अपना तो नहीं अपना तो नहीं है ये ट्रेलर। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बस पहुँच ही गए, बस सामने की तरफ आ ही गया। और भाई साहब इतनी ज़्यादा स्पीड में चल रही है ना अपनी लैम्बोर्गिनी सियान, यार मज़ा आ गया चला के, एकदम यार फुल स्पीड में भगती है यार, काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन यार अपना ट्रेलर आने में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक मैं आपको थोड़ा सा यार घर का यहाँ पे टूर दे देता हूँ। वैसे यार बिग माफिया ने क्या सही वाला घर बना रखा है, और यहाँ पे जो हम तबाही मचा के गए अभी तक यहाँ पे कोई आया ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी पहले यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। हमने यार घर का यार इंटीरियर ढंग से नहीं देखा, और भाई ये मेरे हिसाब से यहाँ पे स्विमिंग पूल बना रखा है, वो भी घर के अंदर, एक घर के बाहर बना रखा है और एक घर के अंदर बना रखा है। और इस स्विमिंग पूल की यार हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है, और सामने की तरफ देख सकते हो GTA 5 का लोगो है गोल्डन कलर में, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। और ऊपर की तरफ चल लेते। वैसे तो यार हमने घर तो थोड़ा बहुत देख ही लिया था, जब हम फाइट करने आए तो यार घर तो देख ही लिया था, लेकिन यार हमने विस्तार से अभी तक नहीं देखा। तो यार देख सकते हो घर यार एक एक चीज़ यार काफ़ी ज़्यादा सही वाली है, काफ़ी सारी यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह दे रखी आप देख सकते हो। और घर का इंटीरियर तो यार भाई साहब क्या ही बोलूँ यार, बहुत तगड़ा वाला इंटीरियर इसका। और ये मेरे हिसाब से यहाँ पे मीटिंग रूम है, जहाँ पे यार हम अपने लेस्टर को बिठा के यार बढ़िया बढ़िया से प्लान वगैरह बनाएंगे चोरी वगैरह का। और ये यहाँ पे बेडरूम है, काफ़ी सारे 3 से 4 बेडरूम है इस घर में, और घर भी यार काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको पता ही होगा गाइस। और गाइस नीचे चल के दिखाता हूँ, ये वाला एरिया हमने आज तक नहीं देखा वैसे। और यहाँ पे मतलब आराम से सन के सामने बैठ के आराम से चिल मार सकते हैं बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे सामने की तरफ पूरा का पूरा अपना यहाँ पे पूरा यहाँ पे सी है बिल्कुल खुला, मतलब यहाँ पे सामने आसपास यार एक भी घर नहीं है। छोटी सी यहाँ पे अपनी बोट टाइप भी खड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, छोटी सी याच कह सकते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी याच है ये भी।
आपको यार घर कैसा लगा यार कमेंट्स में मेरे को जरूर से बताना। और यहाँ पे भाई साहब पर्सनल यहाँ पे बार भी बना रखा है भाई यार, ये काफ़ी ज़्यादा सही है। ट्रैवलर तो यार यहाँ पे फुल मज़े मार सकता है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ चल लेते हैं एक बार, और यहाँ पे जो लाइट लगा रखी है काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और यहाँ पे सैन एंड्रियास लिखा हुआ है। और तो यार हमने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें देख ली है, तो यार फटाफट से यहाँ से नीचे चल लेते हैं। सो गाइज मैं आपको एक बार ड्रोन व्यू से पूरा घर दिखाता हूँ। देख सकते हो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला घर है, और यहाँ पे अपनी याच खड़ी हुई है। आसपास यार एक भी घर नहीं है यहाँ पे, मतलब यार पूरा शांत इलाका है, एकदम काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला इलाका है, इसलिए यार ये घर इतना ज़्यादा महंगा है। और गाइज यार अपना सिक्योरिटी गार्ड अभी तक नहीं आया यार ट्रेलर लेके, या क्या सीन है। और ट्रेलर तो यार सामने की तरफ खड़ा भी है, लेकिन यार उसमें एक भी गाड़ी नहीं है, ये क्या सीन है भाई साहब, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही वैसे मेरे को। और ट्रेलर यार पूरा खाली खड़ा हुआ है यहाँ पे भाई। यार वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया यार, वो तो यार काफ़ी भरोसे वाला, ओ भाई ये खड़ा, मैंने सोचा यार वो लेके चला गया अपनी गाड़ियाँ के। तो गाइस उसने बताया कि गाड़ी उसने वहाँ पे खड़ी कर दी। यार पागल बंदा है, इसने यार सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं पे बाहर खड़ी कर दी। तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक एक करके यार सारी गाड़ियाँ यहाँ पे अंदर ले लेते हैं हम। पहले यार अपने ड्रोन बाइक ले चलते हैं, और इसको बिल्कुल शेल्टर के नीचे खड़ा कर देंगे यहाँ पे, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी शियान की तरफ यहाँ पे इसको खड़े कर देते हैं। और बाकी यार सारी की सारी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं फटाफट से, और यहाँ पे लेके चलते हैं अपनी रोल्स रॉयस। और इसका गेट खुला ही छोड़ दिया पागल बंदे ने, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बंद हो जाएगा अपना आप। चलो यार इसको भी हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और गाइस फरारी को भी लेके चलते हैं यहाँ से, और फरारी यार अलग ही लुक देती है, आप देख सकते हो रेड कलर में यार काफ़ी ज़्यादा सही वाला लुक देती है ये। और फरारी को हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं साइड की तरफ, और यहाँ पे तो यार जगह नहीं है वैसे, चेयर के साइड में यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। ओके यार लैम्बोर्गिनी टैर्ज़ो भी यहाँ पे सामने की तरफ खड़े कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार इतना ज़्यादा स्पेस है तो हम सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं पे लेके आ जाएंगे। और गाइस अपनी टायर एंड यार अंदर खड़ी कर देते हैं, यहाँ पे भी यार काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। सो गाइस फाइनली यार हमने सारी की सारी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर दिया है। और यहाँ पे माइकल के लिए यार हम बढ़िया बढ़िया से सिक्योरिटी गार्ड भी लेके आएंगे, और जो भी यहाँ पे हमने यार गाड़ियाँ फोड़ी है ना इनको भी यार यहाँ से हटाना पड़ेगा। और बाकी तो यार सारा का सारा काम हो चुका है, और घर यार आपने देख लिया यार कितना ज़्यादा तगड़ा है। एक बार यार नाइट के टाइम में आपको घर दिखाता हूँ। तो गाइज़ यार अभी रात हो चुकी है, और गाइज घर का लुक देखिए यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला आ रहा है। और भाई यार लुक देखिए यार, लाइट वगैरह का लुक देखिए कि यार कितना ज़्यादा तगड़ा है भाई। यार देख सकते हैं यार लाइट यार पूरी अच्छे से हर जगह पे लगा रखी है घर का, यार नाइट में भी यार काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला लुक है। ट्रोन बाइक का एक बार लुक देखिए गाइज, भाई साहब यार माइकल की यार ये ट्रोन बाइक यार काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरे को, ये जो इसकी लाइट चमकती है यार काफ़ी ज़्यादा सही लगती है। सो गाइज़ यार आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, और जो भी नया चैनल पर फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो यार फटाफट से लाइक कर देना। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फियरलेस।